हम चार बहन भाई हैं। अच्छा, तीन बहनें और एक भाई है। मेरी 26 साल उम्र है। अच्छा, पढ़ी लिखी हैं? जी, आई एम बीएससी होल्डर। अच्छा, बाहर के ममालिक से कोई आपको जॉब ऑफर करे तो बाहर सेटल हो सकती हैं? जी, मैं हो सकती हूँ। क्या काम जानती हैं, कौन से काम में एक्सपीरियंस है? आई हैव डन मैनी इंटरव्यूज, आई हैव डन मैनी एंड नो वर्क, आई हैव टू मच स्किल इन माई सेल्फ। दीनदार हो, इज्जतदार हो, अच्छा कमाने वाला हो, ये है कि मेरी ज़रूरियात पूरी कर सके, अच्छी उसकी इनकम हो। ये तो नहीं ना आपके 20,000 या 30,000 वाला तो नहीं ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके हरबंसपुरा की हदूद में। मेरे साथ एक नौजवान जन्नत नामी लड़की मौजूद हैं, कुंवारी हैं, किराए पर रहती हैं, यतीम लड़की हैं नाज़रीन। वालदा इनकी बेहद बीमार हैं, इनको मदद की भी ज़रूरत है और ये निकाह भी करना चाहती हैं। आइए मज़ीद इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा इन दिनों आपकी क्या मसरूफियात है? इन दिनों मसरूफियात कुछ भी नहीं है। अम्मी बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं। उन्हें जो सा है वो कैंसर है, तो ये कि वो बहुत बीमार हैं, शदीद बीमार हैं और हॉस्पिटलाइज हैं वो। कौन सा कैंसर है? उन्हें गले का। गले का कैंसर है। आप क्या जॉब वगैरह कर रही हैं? जी, मैं जॉब करती हूँ, लेकिन आजकल मेरी जॉब छुटी हुई है क्योंकि अम्मी के पास रहने वाला कोई नहीं है। तो अगर मैं जॉब पे जाऊँगी और रोज़ाना छुट्टियाँ करूँगी, छुट्टियाँ तो कर रही थी, उन्होंने यही कहा ना कि आप अभी जोन से अपनी मसरूफियत को देखें। ज़ाहिर है जॉब वाले ये तो ना, नौकर क्या और नखरा क्या, बात तो ये है। सही बात है कि जहाँ पर हम नौकर होते हैं अपनी मर्ज़ी वहाँ पर नहीं चला सकते। तो ये है कि उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप रिज़ाइन दे दें। तो फिर जाहिर है अम्मी के पास अब कोई नहीं था हॉस्पिटल में, तो मैं ही हूँ। अच्छा, घर अपना है आपका? नहीं, घर किराए पे है। कितना रेंट पे कर रही हैं? 30,000। 30,000। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 26 साल उम्र है। अच्छा, पढ़ी लिखी हैं? जी, आई एम बीएससी होल्डर। माशाल्लाह। यस। इंग्लिश बोलते हैं? यस यस, आई हैव डन मैनी डिप्लोमास इन इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, बाहर के ममालिक से कोई आपको जॉब ऑफर करे तो बाहर सेटल हो सकती हैं? जी, मैं हो सकती हूँ। क्या काम जानती हैं, कौन से काम में एक्सपीरियंस है? मैं एक्सपीरियंस मुझे हर काम में है क्योंकि मैं जहाँ पे भी जॉब। इंग्लिश में बताएं, इंग्लिश में। ओके, आई हैव डन मैनी इंटरव्यूज, आई हैव डन मैनी एंड नो वर्क, आई हैव टू मच स्किल इन माई सेल्फ एंड आई बिलीव इन माई एबिलिटी। Where I have go to for interview, I first say के just you first of all see my ability and then you decide. And most of the people in first meeting they offer me job. वाह, माशाल्लाह, यानी कि पहली मुलाकात में ही आपको जॉब की ऑफर मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये नज़रन आपने गुफ्तगू सुनी है बहन की, तो कितने बहन भाई हैं? हम चार बहन भाई हैं। अच्छा, तीन बहनें और एक भाई है। फादर की डेथ हो गई है? जी, फादर की डेथ हो गई हुई है। किस तरह का नौजवान हो, क्या डिमांड्स हैं आपकी? दीनदार हो, इज्जतदार हो, अच्छा कमाने वाला हो, और यह है कि मुझे अच्छी ज़िंदगी जो सा है वो दे सके, मेरे अखराजात उठा सके। मेरे इतने अखराजात नहीं हैं, आपको पता ही है कि जब हम। अच्छा कमाने वाला हो? कितना कमाने वाला हो? ये है कि मेरी ज़रूरियात पूरी कर सके, अच्छी उसकी इनकम हो। ये तो नहीं ना आपके 20,000 या 30,000 वाला तो नहीं ना। पाकिस्तान में तो ऐसा ही है, 20-30,000। आजकल लड़कियों की डिमांड क्या है आपको पता, लेकिन मेरी वो भी डिमांड नहीं। मैं कहती हूँ अच्छा कमाने वाला हो कि जो मेरे अखराजात उठा सके। अच्छा, बाहर के ममालिक से भी और मुख्तलिफ शहरों से भी लोगों ने ऑफर्स आपको देनी है शादी की, तो कहीं ये डिमांड तो नहीं है कि लाहौर में अपना घर हो? जाहिर है उसका घर हो, क्या झोपड़ी वाले से तो नहीं ना शादी करनी, उसका अपना घर हो। नहीं, ये डिमांड तो नहीं है कि सिर्फ लाहौर शहर में हो? नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी किसी नहीं भी शहर में, किसी भी शहर में हो जाए। जी, तो जाहिर बात है जिसने ऑफर करनी है आपकी गुफ्तगू तो वो सुन रहे हैं ना, इंटरव्यू सुनने के बाद उसको भी पता चल जाएगा कि मैं जब प्रपोजल भेजूंगा मैम ने एक्सेप्ट करना भी है कि नहीं। तो हर तरह के लोग हमें देखते हैं, प्रोफेसर देखते हैं, इंजीनियर्स,
पायलट्स भी देखते हैं हमें, पूरी दुनिया में ये वीडियो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप बस तैयार रहें, यूएसए में भी काफ़ी हमारे फैंस हैं जिन्होंने हमारी जिम्मेदारी लगा रखी है कि कोई पढ़ी लिखी लड़की हो ना, जॉब कर ले इधर, तो मैं उसके साथ शादी करूँ। यस यस, आई एम रेडी फॉर जॉब, आई एम रेडी फॉर जॉब, इफ़ समवन इंटरेस्टेड इन मी, यस आई एम रेडी। अच्छा, इंग्लिश फुल बोल लेते हैं? यस, I have done many diplomas in English from British Council Library. अच्छा, जो लड़कियाँ घरों में बैठी हुई हैं, बेरोजगार हैं, पढ़ी लिखी हैं आपकी तरह, उनको क्या पैगाम देंगी? पैगाम यही कि हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है कि हम आगे बढ़ सकें। अब मैंने जो सा है, exactly. मेरे में स्किल बहुत है, लेकिन काम हमें क्या मिलता है जी? वो कॉल सेंटर में आप यूएसए कंपेन कर लें, ये कर लें, हमें हमारी एबिलिटी के मुताबिक तो कोई नहीं मिलता ही, कुछ नहीं है। तो हमारी जिस तरह के कंट्री के क्या, एक जो रेडी वाला है बेचारी उसकी नहीं पूरी पड़ रही, तो हमारे जैसे पढ़े लिखे की क्या पढ़नी। अच्छा, अब तक कौन कौन सी जॉब्स कर चुकी हैं? मैंने कॉल सेंटर में जॉब की है, और इसके अलावा मैंने गल्फेयर में जॉब की है, इसके अलावा जब कोरोना आया था तो मैंने कोरोना के डिपार्टमेंट में जॉब की है, मैंने होटल लाइन में जॉब की है, इसके अलावा मैंने ऑनलाइन काम किया है, अमेजोन जो ऐप है उनके साथ काम किया है। यानी कि जो कमाया है वो खर्च हो गया, सेविंग नहीं की। है, सेविंग कैसे करते हैं? आपको पता है घर के अखराज आते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी, आपने क्या सेविंग की है तो आप मुझे बताएं, क्या करोड़ों को आपने सेविंग कर ली? एक शख्स जिसकी इतनी पे ही नहीं है, आप खुद सोचें, घर का रेंट दे के और बिजली के बिल दे के, जिसने समझे बस बिजली का बिल दे दिया, आप इस टाइम सोशल मीडिया पे हैं, आप उनसे पूछिए आपकी जेब में क्या रह जाता है। और हमारे जैसे तो फिर जॉब होल्डर हैं, और जिन्होंने सारा 50,000 मेरी जोन सी है, वो 50 से भी कम है, वो भी अगर बोनस साथ लगे तो वो देते हैं, अदरवाइज जो मेरी इनकम है 30 है, 30 में से जो उनसे रेंट पे करके बिल पे करके, तो समझे हैंड टू माउथ वाली बात है। बहुत टफ टाइम है इस वक्त पाकिस्तान में, बहुत टफ टाइम है, बहुत टू मच। तो कैसे डिजर्व कर रही हैं? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, आई कांट एक्सप्लेन माय हार्डशिप्स, आई कांट। वालदा आपकी बीमार है, बाबा का साया नहीं है आपके सर पे, नौजवान बहन घर में बैठी हुई है, तो कैसे ख्यालात हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कभी कभी ना उम्मीद भी हो जाती होंगी। उम्मीद मायूस हो जाते हैं, लेकिन उस अल्लाह पे डोरी फेंकी हुई है, इंशाल्लाह अल्लाह जो है वो कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ करेगा। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि ये है कि ज्यादा नहीं, थोड़े में खुश है। अच्छा, हमसे बहुत लोगों ने रब्ता करना है आपका इंटरव्यू देखने के बाद, एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि उसकी कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? उम्र का कोई नहीं है, उम्र का मेरी 26 एज, तो उम्र का नहीं, मैच्योर हो और समझदार हो, और पहले आपको बोला दीनदार हो, उसको दीन की समझ बूझ हो, और दूसरा अच्छा कमाने वाला हो। जी ठीक है जी। नाज़रीन, आपने ये जन्नत साहिबा की गुफ्तगू सुन ली है, और इनके मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार भी करें कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग वाकई सिंसियर हैं, सीरियस है इस मामले में, निकाह करना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप लोग रब्ता कर लें। अब मैं डायरेक्ट इनका नंबर लगाऊंगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो मोबाइल संभालना, कॉल्स पे कॉल्स आती हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा इनका आप सबके साथ बातचीत करना। तो मेरे साथ आप लोग रब्ता करें, जो भाई भी सीरियस है, ठीक है, चाहे आप आउट ऑफ सिटी में हैं या आउट ऑफ कंट्री में हैं, जो इनकी डिमांड्स हैं वो भी सामने रख दी हैं। और फिलहाल मुझे और जन्नत को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें जी, फी अमानिल्लाह।